पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गंगा स्नान से पहले लालबाग स्थित गंगा के किनारे नगर निगम के द्वारा सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने का वादा किया गया है। हर साल गंगा स्नान के पर्व पर लालबाग स्थित रामगंगा के किनारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाते हैं और एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की गई है और स्वच्छता का संदेश देते हुए सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह के द्वारा कहा गया है कि जो गंदगी थी उसकी सफाई करा दी गई है और सभी को स्वच्छता के प्रति सफाई का संदेश दिया गया है। पहले तो सभी जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब जैसे गुरु नानक साहब का जो संदेश थे उनको अपने जीवन में उतारें और समाज के लिए ऐसे लोगों की मदद करें जैसे कि नानक साहब ने कहा था। जैसे हमारी तैयारी यह है कि जहाँ जहाँ ये अस्थाई हमारे गंगा स्नान पे घाट लगते हैं वहाँ हमने संबंधित SFI को सफाई करने के लिए सुबह ही निर्देश दे दिए हैं और वहाँ पे कुछ टीम काम कर भी रही है। ये नगर निगम का जो सहयोग होता है हर पर्वों की तरह इस पर्व पे वही पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जय कैसे माना है जब लालबाग को वहाँ पे जाना सफाई हो रही है और दूसरी तरफ जनता खुद करे इस बात को जानना वहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रहा, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अभी आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले ये मैंने भी कॉल करके उनको बताया, अपने इंस्पेक्टर को जय को भी बताया, ठीक है। वहाँ एक कुछ जहाँ डलाव घर है थोड़ा सा वहाँ टूटा हुआ है उसको सही कराने के लिए जय को और इंस्पेक्टर को निर्देश दे दीजिए। मीडिया वहाँ पर पहुँच गई और भी हिंदुस्तान, अब जाके देखिएगा, अब हो सकता है आपको काम करते मिले लोग, सुबह गए थे ना उसके बाद ये सब निर्देश दिए गए।